हाय फ्रेंड्स, आज मैं सोच रही थी कि आज ठंड बहुत है तो कुछ ऐसा बनाया जाए जो क्रंची भी हो, स्पाइसी भी हो और हमें खा के मज़ा भी आ जाए। तो आज मैंने एक ट्विस्ट वाली रेसिपी लेके आई हूँ जिसको हम बनाएंगे आलू के साथ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ पटेटो स्टिक्स, जिसको हम लॉलीपॉप्स भी कहते हैं। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपका कोई भी स्टेप स्किप ना हो और आप मेरी रेसिपी को अच्छे से ट्राई करें और आप उस रेसिपी को इंजॉय भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पोटैटो स्टिक्स बनाना। तो चलिए आप अपनी पोटैटो स्टिक्स यानी कि लॉलीपॉप्स बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने दो मीडियम बड़े साइज़ के आलू को काट के उबाल लिया है। अभी इसमें से भाप निकल रही है क्योंकि थोड़े से गर्म है। दो मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। यहाँ मैंने टेंडर वेस्ट का पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग लिया है। ये बहुत ही टेस्टी है और इसका अरोमा बहुत ही अच्छा आता है। टेस्ट वेंडर की ही मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं। ये फ्रेश ब्रेड क्रम्स हैं जिसको मैंने घर पे ही बनाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट टू मेक लॉलीपॉप्स। हम अपना आलू के अंदर अपने अनियन को ऐड करेंगे। इसमें हम अपना पिज़्ज़ा पास्ता सीजनिंग डालेंगे, अपने चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून ऑफ लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ अमचूर पाउडर और अपने ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स हम एक बाइंडिंग के लिए और एक क्रंचीनेस के लिए देंगे, जिससे हमारे जो लॉलीपॉप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची लगेंगे। ये मैंने 6 से 7 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स ऐड करे हैं। 1 टीस्पून ऑफ नमक, नमक एज पर योर टेस्ट, और हमारे 2 से 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर से हमारी जो लॉलीपॉप्स की बाइंडिंग है वो बहुत अच्छी होगी। और हम अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करेंगे। डो बनकर तैयार है। अब हम इसकी छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल अपनी पाम पे लगाएंगे और एक छोटी सी पेड़ा लेंगे और इसको अच्छे से रोल करेंगे एंड कीप असाइड। सिमिलरली हम सारे बॉल्स बना लेंगे। हमारे सारी बॉल्स बनकर तैयार है। अब हम इन्हें ब्रेड क्रम के अंदर कोट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी बॉल को दूध में डिप करेंगे, उसके बाद अपने ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करेंगे अच्छे से। इससे हमारी जो लॉलीपॉप्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रंची बनेंगी। और एक साइड रख देंगे जिससे कि हमारे ब्रेड क्रम्स अच्छे से सेट हो जाए। हमारे सारे लॉलीपॉप्स ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट होके हमने रख दिए हैं। अब इसको हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देते हैं। हमारे लॉलीपॉप्स को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इन्हें डीप फ्राई करते हैं। धीरे धीरे हम अपने घी के अंदर इनको डालेंगे। हमने अपने लॉलीपॉप्स घी में डाल दिए हैं। अब हम इन्हें गोल्डन होने तक सिकने देते हैं। देखिए हमारे लॉलीपॉप्स अच्छे से गोल्डन कलर के हो गए हैं। अभी हम इनको थोड़ा सा और क्रंची होने तक कुक करेंगे। हमारे लॉलीपॉप्स बनकर तैयार है। अब हम इन्हें बाउल में निकाल लेते हैं। हमारे डिफरेंट से लॉलीपॉप्स बनकर तैयार है। आप लोग इसे खाइए, खिलाइए और मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते मुझे पता ही नहीं लगता कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी या नहीं लगी। तो अब मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी और जल्दी मुलाकात होगी एक नई इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इन्जॉय दिस लॉलीपॉप्स।